हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आई यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, एक अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है एसएसबी की स्टाफनर्स की वैकेंसी आ चुकी है, यानी कि काफ़ी सारे कैंडिडेटों के जो वेटिंग था कि एसएसबी की जो स्टाफनर्स की वैकेंसी है वो कब तक आएगी, तो फाइनली जो एसएसबी की जो स्टाफनर्स की वैकेंसी है वो आ चुकी है। और जिस वैकेंसी की जो लोकेशन रहने वाली है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है, एसएसबी दिल्ली, यानी कि आपको यह वैकेंसी देखने को मिलेगी एसएसबी दिल्ली की तरफ से। आपको यह वैकेंसी देखने को मिलेगी। काफ़ी कैंडिडेटों का एक सपना होता है कि हम दिल्ली के अंदर एक स्टाफ नर्स की जॉब पर वर्क करें या नर्सिंग ऑफिसर की जॉब पर वर्क करें, तो फाइनली हम उनके लिए यह वैकेंसी लेके आ चुके हैं। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो हम इस वैकेंसीज के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल देता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट नंबर, आप जरूर याद रखिएगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर 338 RCSSB कंबाइंड एडवर्टाइजमेंट सब इंस्पेक्टर 2023। ये क्या होने वाला है, वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन करोगे तब ये चीज़ आपको काम आएंगी, और सिलेक्शन प्रोसेस में लास्ट में बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको इसे अप्लाई करना है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल, ठीक है, एसएसबी न्यू दिल्ली की तरफ से आपको ये क्या देखने को मिल रही है, वैकेंसीज देखने को मिल रही है। यह वैकेंसीज क्या रहने वाली है आपको, फिर कम्युनिकेशन एंड द स्टाफ नर्स की वैकेंसीज आपको यह देखने को मिलेगी। इसके अंदर हम बात करते हैं सबसे पहली चीज़ कि इन वैकेंसीज के बारे में हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए इसमें काफ़ी सारी अलग अलग वैकेंसियाँ हैं। सब इंस्पेक्टर पायनियर की वैकेंसी है, सब इंस्पेक्टर दुर्गास्तम की वैकेंसी है, सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन की है, लेकिन हम बात करेंगे इसके अंदर हमारी जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, यानी कि सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की वैकेंसीज के बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा जनरल जो कैटेगरी है उसके अंदर 13 वैकेंसी है, EWS की कैटेगरी है उसके अंदर 2 वैकेंसी है, OBC की कैटेगरी है उसके अंदर 7 वैकेंसी है, SC की कैटेगरी है उसके अंदर 6 वैकेंसी है, ST की कैटेगरी के अंदर 1 है, और ऐसे टोटल करके इसके जो स्टाफ नर्स की वैकेंसीज होने वाली है वो रहने वाली है 29, यानी कि 29 क्या रहने वाली है इसके अंदर स्टाफ नर्स की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इस वैकेंसीज का जो एप्लीकेशन मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एप्लीकेशन रिश्यू थ्रू द एनी अदर मोड एक्सेप्ट द ऑनलाइन मोड, यानी कि ऑनलाइन मोड को छोड़कर आपको किसी भी मोड में आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो क्या एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि आपका फॉर्म है वो ऑनलाइन ही भरा जाएगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको इसके अंदर फुलफिल करना है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर पोस्ट के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं इसके पे स्केल के बारे में। हम डिस्कस कर लेते हैं जो स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है उसका पे स्केल लेवल 6 के आधार पर आपको सैलरी मिलेगी, यानी कि जो इसका बेसिक रहेगा वो 35,400 रुपये से लेकर और इसकी जो फाइनल सैलरी 1,12,400 रुपये तक क्या रह सकती है, इस वैकेंसीज की सैलरी रह सकती है। अगर जो अदर जो अनाउंस हैं वो भी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है तो हम स्टाफ नर्स की वैकेंसीज के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं कि इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाला है। तो शुड हैव पास द 10+2 साइंस, यानी कि आप 12th पास होने चाहिए वो भी साइंस बायोलॉजी के साथ, ठीक है। एंड शुड हैव द 3-year डिप्लोमा इन द जनरल नर्सिंग फ्रॉम इन द एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज, यानी कि आपने अगर GNM कर रखी है तो भी आप भर सकते हैं। मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द सेंटर या स्टेट नर्सिंग काउंसिल, यानी कि सेंटर और स्टेट नर्सिंग काउंसिल के कैंडिडेट क्या होना चाहिए, आप एलिजिबल्स होने चाहिए। GNM वाले कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, और BSc वाले कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को अप्लाई करते हैं, लेकिन स्पेशली GNM के लिए बहुत ही अच्छी डिमांड है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका जो बिल है वो कितना पे करना पड़ेगा, यानी कि फीस कितनी पे करनी पड़ेगी। तो 200 रुपये आपको इसके अंदर क्या देनी है, आपको एप्लीकेशन फीस देनी पड़ेगी इस वैकेंसीज के अंदर। लेकिन अब हम बात करते हैं इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कि हाउ टू अप्लाई, कि किस प्रकार से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में आपको कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की मैं बात करूं तो सेट पोस्ट SSB रिक्रूटमेंट जो वेबसाइट है www.ssbrect.gov.in क्या रहने वाली है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करिए, और जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आप ये एडवर्टाइजमेंट नंबर जरूर मिलान कर लें, एडवर्टाइजमेंट नंबर 338 RCSSB कंबाइंड एडवर्टाइजमेंट सब इंस्पेक्टर 2023, यानी कि ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको दिखे इस साइट के ऊपर जाने के बाद, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से अपना जो फॉर्म है उसको आप ऑनलाइन मोड पर अप्लाई कर दें। यानी जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, क्योंकि ये वैकेंसीज काफ़ी अच्छी वैकेंसीज होने वाली है। इसके अंदर आपको परमानेंट इनके एग्जाम नहीं देना है, इनकी डायरेक्ट यहाँ भर्ती होने वाली है। तो मैं आप सभी को फिर से बता रहा हूँ, जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है इस वैकेंसीज को जरूर अप्लाई करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।